हाय गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेके आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही सुपर डिलीशियस एंड हेल्दी रेसिपी इडली की, जिसके लिए ना तो हमें सूजी ना ही दाल चावल की ज़रूरत है। इसके लिए लिया है मैंने खूब ढेर सारी वेजीज, साथ ही में मैंने कर्ड लिया है और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप बताओ ब्रेकफास्ट में आप लोगों को इडली खाना पसंद है या नहीं? साथ ही में मैं ले रही हूँ पिसे हुए ओट्स एंड नॉर्मल ओट्स ले रही हूँ, उनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। सॉल्ट ले रही हूँ एज़ पर योर टेस्ट एंड चिली फ्लेक्स, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं। अगर आपको लगता है आपको डालना है आप डाल सकते हो, बट मैंने कोई और एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है इसमें। और जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रेसिपी का वो है ये सेवई, नमकीन सेवई। इनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था जिससे कि ये थोड़ी सी पक जाए, वो मिक्स कर रही हूँ। कच्चे भी मिक्स कर सकते हैं, स्टीम से पक जाएंगे। पानी ऐड कर रही हूँ जिससे कि इसका एक ना ही हमें बहुत ज़्यादा थिक करना है और ना ही हमें बहुत ज़्यादा थिन करना है, इसको मीडियम कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। साथ ही में मैं इसमें लगा रही हूँ घी, राई एंड कड़ी पत्ते का तड़का, इससे इसका जो फ्लेवर है और इन्हेंस होगा। थोड़ा ही घी डालना है क्योंकि हम इसको हेल्दी रख रहे हैं। और राई डाल दिया मैंने, इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया। आप बताओ आप लोगों क्या ऐसे तड़का लगा के क्या इडली है आप पे बनाते हो आप लोग? हमारा तड़का हो गया है रेडी, ये मैं इसी बैटर में मिक्स कर दे रही हूँ अच्छे से। नेक्स्ट रेसिपी मुझे कौन सी शूट करनी चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताना। ये मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं ले रही हूँ इसमें इनो मिला रही हूँ जिससे कि इसमें एक बाउंस वाला टेक्सचर आए। इनो मिला के इनो में पानी डाल रही हूँ एक्टिवेट करने के लिए। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये हैं तीनों बहनें, छोटी बहन, मंझली बहन, बड़ी बहन। इन पे अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया जिससे कि हमारी इडलियाँ इसमें चिपके ना। जो मैंने बैटर बनाया था वो सबको एक एक करके मैंने फिल कर दिया है। मैंने इसका जो कुकर था उसको मैंने पानी डाल के पहले ही प्री हीट होने रख दिया था और सबको सारे बैटर को फिल करके मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसको कुक करना है। जब ये कुक हो जाएँ तो हमें साथ में इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रखना है। फिर उसके बाद हमें अपनी इडलियाँ निकालनी है और मैंने इसको रख दिया है स्टीम होने के लिए और हमारी इडलियाँ तैयार हैं। आप इनको फ्राई करके भी खा सकते हो। मैं इसको सर्व किया विद टोमेटो केचप। मैंने ग्रीन चटनी नहीं बनाई थी क्योंकि मैं लेट हो रही थी और खाने में बहुत ही टेस्टी एंड सुपर हेल्दी थी, फुल फिलिंग थी। आप भी ट्राई करना एंड कमेंट करके बताना आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।